जिले में भारी बारिश के अलर्ट के बाद भी लोग अपनी जान पर खेलकर ग्रामीण इलाकों में बने रपटे पुल पुलिया को पार कर रहे हैं। अब तक नदी नालों में बहकर 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कलेक्टर तरुण भटनागर ने अति वर्षा एवं बाढ़ की आपदा को देखते हुए जिला बाढ़ ग्रस्त इलाकों का राजस्व एवं पुलिस की टीम के साथ दौरा किया। कलेक्टर ने अपील करते हुए कहा कि बाढ़ वाले इलाकों में ड्राइविंग न करें, बिजली के उपकरणों को न छुएं, बारिश में साफ पानी और शुद्ध भोज्य पदार्थ का ही प्रयोग करें, युवा तथा अन्य सभी जल भराव वाले स्थानों पर सेल्फी लेने, पिकनिक करने, नहाने, कपड़े धोने और मवेशी धोने आदि के कार्य न करें तथा इन स्थलों से दूर रहे। उन्होंने कहा कि बरसात के समय बाढ़ वाले इलाके जैसे नदियां, नाले, पुल आदि में जाने से बचे। उन्होंने कहा कि सूचना के लिए रेडियो सुनना, टेलीविजन देखना, सजग रहे कि आकस्मिक बाढ़ भी आ सकती है। किसान मौसम ऐप का प्रयोग कर मौसम की भविष्यवाणी को जाने, आकस्मिक बाढ़ आने की कोई संभावना हो तो किसी ऊंचे स्थान पर तुरंत चले जाए। नदियों, नहरों, नालों, घाटियों तथा अचानक बाढ़ग्रस्त होने वाले अन्य क्षेत्रों से परिचित रहे। इन क्षेत्रों में बारिश के बादल या भारी बारिश जैसी किसी विशिष्ट चेतावनी के साथ या उनके बिना आकस्मिक बाढ़ आ सकती है। जिले में इसकी एक पूरी कार्य योजना बनाई गई है कि बाढ़ की स्थिति में, अतिवृष्टि की स्थिति में हम इन चीज़ों से कैसे जो है इसका निदान करेंगे। हमारे यहाँ पे SDRF की और जो होमगार्ड की जो हमारी टीम है वो इस कार्य में सतत रूप से लगी हुई है। अपने अमले के साथ उनके पास तैराक और बाकी सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। ज़िले में ये चिन्हांकन किया गया है कि कहाँ पर जो है ये परेशानियाँ होती हैं, पुल पुली आइडेंटिफाइड हैं और इसी प्रकार से बाण सागर का जो बैकवाटर है उससे जो प्रभावित होते हैं क्षेत्र वो आइडेंटिफाइड हैं। और जो नदियाँ हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका उदारी नदी है, झापर है, समधिन है, मुड़ना है, इन नदियों में जो है पानी का जो स्तर बढ़ता है तो उसके बाद में जो निकट के गांव में जो प्रभावित होते हैं उनका भी चिन्हांकन किया गया है और किस तरीके से किसी कंटिजेंसी से हम लोग निपटेंगे, कहां लोगों को शिफ्ट करेंगे, क्या उसका भी जो है पूरी कार्ययोजना हमारी बनी हुई है। लोगों से अपील की जा रही है और आपके मार्फत भी मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे जल भराव वाले जो स्थान हैं, नदियाँ हैं, उनके पास भी न जाएँ। जो जलाशय हैं, पानी से भरी हुई दूसरी संरचनाएं हैं, उनके पास स्वयं भी न जाएं, घर परिवार के किसी सदस्य को भी न जाने दें और पूरी सावधानी रखें। रपटे पर या रोड के ऊपर में कहीं पानी हो तो उसको पार न करें, तो ये पूरी सावधानी इस अवधि में रखने की बेहद आवश्यकता है, जिसके लिए डोंडी पिटवा करके और जो है लोगों के बीच में जो है संदेश दे करके सोशल मीडिया के मार्फत भी जागरूकता की जा रही है और ये सब लोगों से हमारा अनुरोध भी है।